दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे वृश्चिक लव राशि फल अगस्त 2021। अगस्त का महीना वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपकी रिलेशनशिप की स्थिति कैसी रहने वाली है, आइए जानते हैं। दोस्तों अगस्त माह का लव राशि फल शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें हमारा लव राशि फल चंद्र राशि यानी मून साइन के अनुसार होता है, उसी के अनुसार इस लव राशि फल को देखें व सुने। अगर आपको चंद्र राशि यानी मून साइन पता नहीं है तब आप इसे नाम राशि के अनुसार भी देख व सुन सकते हैं। दोस्तों विशेष रूप से यह ग्रह गोचर पर आधारित होता है यह लव राशि फल। किस प्रकार की स्थिति ग्रह गोचर में रहेंगी इसके बारे में आपको जानकारी दे दें। चार परिवर्तन होंगे तीन ग्रहों के। बुध का परिवर्तन दो बार होगा अगस्त के महीने में, और ये परिवर्तन जो होते हैं गोचर में यही आपके जीवन को, आपकी लव लाइफ को, आपकी रिलेशनशिप को परिवर्तित करते हैं, इनमें बदलाव लेकर आते हैं। तो ये चार परिवर्तन कौन से हैं इसके बारे में जानते हैं, उसके बाद में हम जानेंगे जो लोग सिंगल हैं उनके लिए क्या स्थिति रहेगी, लव लाइफ की स्थिति क्या रहेगी, अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हैं तो अब कैसी स्थिति रहेगी, अगर आपका ब्रेकअप हो गया है बीते दिनों में तो अब स्थिति क्या रहेगी आपके लिए, और आपकी मैरिड लाइफ की स्थिति क्या रहेगी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की स्थिति क्या रहेगी, इसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले परिवर्तनों के बारे में जान लेते हैं। एक परिवर्तन 7 अगस्त को होगा, ये बुध का परिवर्तन है। बुध सिंह राशि में जाएंगे कर्क राशि को छोड़ करके। 26 अगस्त को बुध दोबारा परिवर्तन करेंगे, दूसरा परिवर्तन होगा, और ये अपनी मूल त्रिकोण राशि स्वराशि कन्या राशि में अपनी खुद के घर में आ जाएंगे। कन्या राशि में इनका 26 अगस्त को परिवर्तन होगा सिंह से निकल करके। 11 अगस्त को शुक्र नीच के हो जाएंगे, कन्या में आ जाएंगे, और 16 अगस्त को सूर्य अपनी स्वराशि सिंह राशि में आ जाएंगे खुद के घर में। तो ये ग्रह गोचर की स्थिति है, बाकी ये जो गोचर की स्थिति है वो यथावत है, ये परिवर्तित स्थिति है। और अब हम जान लेते हैं कि सिंगल लोगों के लिए, लव लाइफ के लिए, मैरिड लाइफ के लिए, रिलेशनशिप के लिए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए क्या स्थिति रहने वाली है। वीडियो के लास्ट में हम आपको बताते हैं तीन राशियों के नाम। अगर उन तीन राशियों के पार्टनर आपके हैं तो ये महीना आपके लिए बेहद खास होने वाला है, और ये महीना आपको बहुत सारी खुशखबरी दे सकता है। आपके एक्स आपकी लाइफ में वापस आ सकते हैं, बहुत सारी स्थितियाँ अच्छी हो सकती हैं अगर उन तीन राशियों में से किसी भी राशि का पार्टनर आपका है तो। अब जान लेते हैं राशिफल। बात करेंगे सबसे पहले जो लोग सिंगल हैं उनकी क्या स्थिति आपके लिए रहने वाली है। देखा जाए तो आपके लिए ग्रह गोचर दर्शाता है सिंगल लोगों के लिए, क्योंकि आपके लिए तृतीय शनि बनते हैं। जो लोग दोस्ती में हैं वहाँ पर स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ने वाली है, दोस्ती टूटने वाली है, दोस्ती की स्थिति खराब होने वाली है, दोस्ती में कोई तीसरा पर्सन दखल देने वाला है, तीसरा व्यक्ति आकर के आपकी ज़िंदगी बदलने वाला है। एक तरह से आपकी जो स्थिति आगे बढ़ रही थी, आप फीलिंग आपकी बढ़ रही थी, इमोशनल हो रहे थे, वहाँ पर पूरी तरह से एक तो उनका पुराना एक्स आपकी लाइफ में दखल देगा, आपके दोनों के बीच में दरार उत्पन्न कर देगा, और फिर से आपकी दोस्ती जो बढ़ रही थी वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर जो लोग दोस्ती करना चाहते हैं, जो लोग दोस्त बनाना चाहते हैं, उनके लिए 11 अगस्त से एक अच्छा समय आएगा और आप दोस्त बन सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर कोई नया रिलेशन शुरू करना चाहते हैं आप किसी को छोड़ करके, वहाँ पर आप बहुत बुरी तरह कन्फ्यूज रहेंगे इस महीने, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहेंगे, और कन्फ्यूजन इस कदर होगी कि आप अपने एक्स के चक्कर में अपने वर्तमान पार्टनर को भी छोड़ सकते हैं, और या आपका अपना जीवन आप बर्बाद कर सकते हैं। ऐसी स्थिति बन रही है विशेष रूप से आपके लिए कि आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज नज़र आएंगे, और कन्फ्यूजन में आप अपने नए रिश्ते को भी आगे बढ़ाकर नहीं ले जा पाएंगे। अगर हम बात कर लेते हैं उनकी जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हैं तो आपके लिए बहुत सारी स्थिति बन रही है कि आपकी बातचीत ज़रूर होगी, और बातचीत की जो स्थिति बन रही है वैसे तो कह सकते हैं कि 7 अगस्त से बातचीत की स्थिति शुरू होने वाली है, लेकिन 7 अगस्त से जो बातचीत होगी वो थोड़ा बहुत ही प्रोफेशनल या बहुत कार्य क्षेत्र को लेकर के या किसी काम को लेकर के हो, इमोशनल वार्तालाप उसमें नहीं होगा, इमोशनल आपका अटैचमेंट उनसे नहीं हो पाएगा, उनसे बातचीत इतनी इमोशनल नहीं होगी। एक तरह से इग्नोर कर रहे थे तो उन बातों पर चर्चा होगी, मतलब
समझेंगे, पुरानी बातों को लेकर चर्चा करेंगे, पुरानी बातों को लेकर के समझाएंगे, एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से बातचीत करेंगे, मतलब कहीं ना कहीं कोई निर्णय लेने के लिए इतनी ज़्यादा चर्चा होगी। वही देखा जाए तो 26 अगस्त से बुध जैसे ही अपनी स्वराशि में आएंगे, आपकी राशि से एकादश भाव में, तो ये निश्चित रूप से ऐसी स्थिति बना देंगे कि 26 अगस्त से आपकी बातचीत फिर से हो जाएगी, इमोशनल हो जाएंगे उनके लिए और बहुत अच्छी स्थिति बन जाएगी। तो आपके लिए नो कॉन्टैक्ट से कॉन्टैक्ट में आने की स्थिति तो बराबर बनी है, अगस्त के महीने में कॉन्टैक्ट जरूर होगा, बात जरूर होगी, तो स्थिति बहुत ज़्यादा सकारात्मक है। लेकिन अगर आपने उन्हें खुद से ब्लॉक किया हुआ है तो आपके लिए थोड़ी बहुत दिक्कतें ज़्यादा हो सकती हैं। यहाँ पर स्थिति ये बन रही है कि आपके लिए जो लोग ब्रेकअप में हैं, ब्रेकअप हो गया है, बहुत बुरी तरह धोखा मिल चुका है आपको, या अलग हो चुके हैं, बातचीत बंद है बिल्कुल, तो बातचीत के लिए तो मैंने बता दिया कि कॉन्टैक्ट में आ जाएं, लेकिन ब्रेकअप से पैचअप होने की उम्मीद जो है वो 16 अगस्त से 26 अगस्त के बीच में ज़्यादा है, लेकिन पैचअप होने की उम्मीद बहुत ज़्यादा है, तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। मैं सभी ग्रहों का विश्लेषण कर रहा हूं, लेकिन विशेष रूप से मैं आपको बता दूं, राहु जो बराबर आपको एक अंधकार में और कन्फ्यूजन में रखे हुए है, उससे बच के रहिएगा हमेशा। ये तो आपको ध्यान में रखना ही है कि अभी वर्तमान में राहु का प्रभाव सबसे ज़्यादा है, ये आपको धोखा दिलवाना, कन्फ्यूजन में रखना, खुद से एक धोखे का शिकार हो जाना, खुद से अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना, अपने आप को खुद से नुकसान पहुंचाना या गलत रास्ते पर ले जाना या गलत निर्णय करवाना, आपके लिए ये महीना इस चीज़ के लिए भी जाना जाएगा, इसलिए बहुत सोच समझ के कोई निर्णय लीजिएगा। लव लाइफ में देखा जाए तो प्यार बहुत ज़्यादा रहेगा, बहुत सारी स्थितियाँ अच्छी होंगी। अगर ठीक ठाक स्थिति चल रही है, कोई नया रिश्ता शुरू कर दिया था बहुत समय से, आप उसमें थोड़े बहुत कन्फ्यूज थे, तो कन्फ्यूज तो रहेंगे, लेकिन हाँ प्यार रहेगा और आगे बातचीत बढ़ेगी, बहुत सारी स्थिति अच्छी रहेगी। कन्फ्यूजन के साथ में आगे बढ़ रहे हैं, कुछ गलत फहमियाँ खास करके 26 अगस्त से कुछ गलत फहमियाँ बहुत ज़्यादा बन जाएंगी लव लाइफ में। वैसे स्थितियाँ ठीक हैं, लेकिन गलत फहमियाँ और कन्फ्यूजन ये दो एक बहुत बड़ी आपके लिए मजबूरी और परेशानी का एक कारण बन जाएगी, तो स्थिति ये भी रहेगी। आपके लिए एक बहुत अच्छा समाचार ये है कि 25 और 26 अगस्त आपके लिए बहुत कुछ मायने रखेगा, बहुत कुछ खास होगा, क्योंकि इसमें आपके लिए जो एक तो बहुत ज़्यादा लव मैरिज को लेकर के बातचीत हो सकती है, कोई कमिटमेंट आपके पार्टनर आपको दे सकते हैं, ये बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। और इसमें आपकी लव लाइफ में इस महीने आप कुछ अच्छा, आपको ये समझ लीजिए कि आपको इस महीने में कुछ अच्छा मिलने वाला है, तो वो यही दो दिन होंगे जिसमें कुछ अच्छा मिलने वाला होगा, तो ये स्थिति बनेगी। अब हम यहाँ पर मैरिड लाइफ की बात करते हैं, तो मैरिड लाइफ की स्थितियाँ क्या रहेंगी। मैरिड लाइफ में आप अगर नई नई शादी हुई है वहाँ पर परेशानी हो सकती है, डाइवोर्स इत्यादि हो सकता है, डाइवोर्स के लेकर बातचीत हो सकती है, आप दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशन अच्छे ना चल रहे हो उस वजह से परेशानी हो सकती है, किसी थर्ड पार्टी की वजह से भी परेशानी अधिक मात्रा में दिखेगी, और ये खास करके जो थर्ड पार्टी है वो आपके पार्टनर के कार्य क्षेत्र से संबंधित होगी, तो यहाँ पर आपके लिए कारण परेशानी बन रही है और बहुत बड़ी परेशानी बन रही है। मैरिड लाइफ में परेशानी है, अगर आप हाउस वाइफ हैं तो आपको इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होगी महिलाओं के लिए, और बाकी जो पुरुष हैं उनको तो निश्चित रूप से मैरिड लाइफ में परेशानी होने वाली है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात करते हैं। मैरिड लाइफ में एक बात और बता दें आपको, कहीं भी किसी प्रकार से कोई भी निर्णय बिल्कुल मत लेना, डाइवोर्स को लेकर के तो कोई भी निर्णय मत लेना। अगर आपके पार्टनर आपसे डाइवोर्स मांग रहे हैं तो अभी रुक जाइए, कोई निर्णय इस महीने लीजिए तो बहुत सोच समझ के लीजिए, वैसे तो लीजिए ही मत, क्योंकि ये निर्णय आपके लिए बहुत ही ज़िंदगी भर रोने के लिए या ज़िंदगी भर पछताने के लिए मजबूर कर देगा। अगर हम बात करते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में स्थितियाँ ये दर्शाती हैं कि बहुत ज़्यादा आपके लिए स्थितियाँ बातचीत की बन रही हैं, नए रिश्ते की शुरुआत की बन रही हैं, और वो नए शुरुआत की जो स्थिति बातचीत की बन रही है वो 7 अगस्त से बन रही है, 7 अगस्त से 26 अगस्त के बीच में बातचीत, उसके बाद में एक अच्छा रिलेशन, बहुत सारी स्थितियाँ अच्छी रहेंगी। लेकिन यहाँ पर एक स्थिति खराब है, वो इसलिए खराब क्योंकि आपके जो पार्टनर हैं उनके साथ में आप इमोशनल हो जाएंगे, फिजिकल होने के लिए अगर वो आपको कहेंगे तो आप नहीं हो पाएंगे, उस वजह से भी परेशानी बन रही है, क्योंकि आप जल्दी किसी के साथ खुलते मिलते नहीं हैं, जल्दी नहीं करते किसी चीज़ में, तो वहाँ पर आपके पार्टनर आपसे नाराज़ हो सकते हैं। जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जो पार्टनर बने हैं या हैं तो वो आपसे कुछ चीज़ों को लेकर शिकायत कर सकते हैं, कुछ शर्तें रख सकते हैं, स्थिति बनेगी। लेकिन
आपके लिए 16 से 20 अगस्त का जो समय रहेगा 5 दिन का, ये बहुत ही खतरनाक रहेगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में कोई बड़ा धोखा दिलवा सकता है, कोई बड़ा ब्रेकअप, या बहुत ज़्यादा एक तरह से आपको बहुत बेचैनी, बहुत परेशानी, और किसी प्लानिंग के तहत आपका अपमान करना, या आपको बुरी तरह से किसी षड्यंत्र के तहत फंसाया जाए, आपको ब्लैकमेल किया जाए और आपके धन को हड़पा जाए, यानी कि आपके लिए कोई आपको यूज करे और आपको बहुत ज़्यादा बदनाम कर दे या बदनाम करने की धमकी दे, ऐसी स्थिति भी इन 5 दिनों में रहेगी। तो इनमें थोड़ा संभलने की ज़रूरत है, खास करके कोई नया रिश्ता शुरू करना चाहते हैं या फिजिकली इन्वॉल्व होना चाहते हैं अपने पार्टनर के साथ में या आगे बढ़ना चाहते हैं, तो बहुत सोच समझ के बढ़िएगा। अगर ऐसी स्थिति में आप फंसे हुए हैं वर्तमान में, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा डरने वाली बात है, बहुत ज़्यादा संभल के चलने वाली बात है, और यहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा संभल के चलने की ज़रूरत है। यह था आपका लव राशि फल अगस्त महीने का। अब हम जान लेते हैं कि आखिर वो 3 राशियां कौन सी हैं। अगर इन राशियों के पार्टनर आपके होते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है ये महीना और आपको ज़्यादा दिक्कत होने वाली नहीं है। वो राशियां हैं, सबसे पहली राशि मीन राशि, दूसरी राशि है कन्या राशि, और तीसरी राशि स्वयं वृश्चिक राशि ही। अगर इन राशियों के पार्टनर आपके हैं तो स्थितियाँ काफ़ी ठीक रहेंगी, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। बस ध्यान रखना होगा आपको इस बात का कि कन्फ्यूजन से बचना होगा और एक सही निर्णय की ओर जाना होगा। जो आपका दिल कहता है वो कीजिए, लेकिन अगर आप चाहते हैं पर्सनल लव रीडिंग करा करके, अपनी लव लाइफ के बारे में जान करके आप कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं, तो आप दिए गए नंबर पर, व्हाट्सअप नंबर जो आपको यहाँ नीचे चल रहा है उस पर आप संपर्क करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और अपॉइंटमेंट जो है वो आपको 10-15 दिन बाद का मिलता है, तो बहुत ही आप विलम्ब अगर वेट कर सकते हैं जो विलम्ब से, क्योंकि जल्दबाजी करेंगे तो उतना लेट हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि हमारी भी मजबूरी है, हम भी बहुत कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी आपको टाइम दिया जाए, लेकिन जो टाइम है ही नहीं उसे कैसे दे दिया जाए, तो इसके लिए आपसे हम क्षमा चाहेंगे। लेकिन आप अगर वेट कर सकते हैं तभी आप संपर्क करें, तभी आप अपॉइंटमेंट लें। आशा करते हैं दोस्तों आपकी वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। उसके साथ साथ इंस्टाग्राम और फेसबुक पर हमें फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।